हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर एक पेपर दिख रहा है, ये पेपर है आपका यूपी पीएससी की तरफ से एक पेपर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। और ये एग्ज़ाम था बेसिकली आपका टेक्निकल एजुकेशन टीचिंग एग्ज़ाम, ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन टीचिंग एग्ज़ाम का ये पेपर है। तो इस पेपर के अंदर जो जीएस के क्वेश्चंस हैं वो 1 से लेके 25 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके जीएस के रहते हैं और बाकी टेक्निकल ट्रेड के रहते हैं। तो जो मुझे पेपर मिला है पीडीएफ का, वो जीएस का पार्ट मिला है। तो ये जो 25 क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है 13 अगस्त को, 13th of August 2023 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के डिफरेंट एरियाज़ के अंदर। तो चलिए बात करते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, ये पूछा गया है द फर्स्ट शेरपा मीटिंग ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। सो इट इज़ हेल्ड इन द उदयपुर, ठीक है, उदयपुर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजी पे लगाना है इन चीज़ों को। देखिए यहाँ पर हम बात करें अगस्त ऑफर की, तो अगस्त ऑफर 1940 में हुआ था, ठीक है। कैबिनेट मिशन का नाम आता है, तो कैबिनेट मिशन आती है आपकी 1946 के अंदर। एंड फिर है आपका शिमला कॉन्फ्रेंस जो था ये आपका ये था 1945 को, ठीक है। एंड लास्ट में है क्रिप्स मिशन, तो क्रिप्स मिशन था 1942 को। तो आप इसको अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आपका आएगा अगस्त ऑफर, देन क्रिप्स मिशन, अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, शिमला कॉन्फ्रेंस एंड कैबिनेट मिशन, दैट इज़ ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज प्रिपेयर्ड इन अक्टूबर 1947, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट्स शिवाजी वॉज फॉर्मली क्राउंड इन 1674, दैट इज़ द रायगढ़ का किला। इन मिड ऑफ नवंबर 2022 विच कंट्री अनाउंस यूथ मोबिलिटी वीज़ा पार्टनरशिप स्कीम विद इंडिया। सो ये अनाउंस किया था यूके की गवर्नमेंट ने। कौन सा वो स्टेट है जहाँ पर जो एक सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहाँ पर नहीं है, दैट इज़ भुवनेश्वर, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, तो इसमें आपसे पूछा गया है मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम बात करें तो आर्टिकल 22(1) ये आपका प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिटेंशन होता है, ठीक है, सॉरी ये हो गया ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो सी का हो गया 1, सी का 1 एक ही जगह पर आ रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा है किंग्स और उनके रीजन्स। तो विराट जो है वो नॉर्थन रीजन के किंग थे, तो सी का है 2 आपका ऑप्शन में, ठीक है, तो आप यहां से ले सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। हु हैज़ बीन अवार्डेड बुकर्स प्राइज 2022, दैट इज शेहान करुणा तालिका, ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपसे पूछा है हु प्रेसाइडेड ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, सो स्पीकर ऑफ द लोकसभा। मैच ऑफ द फॉलोइंग, लोथल कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है, कालीबंगन आपका राजस्थान में, राखी गढ़ी हरियाणा के अंदर, और बलूचिस्तान के अंदर है डाबर कोट। तो यहाँ पर जो मैच बनेगा ए का 1 है, बी का 4 है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एंड स्टेट्स टचेस द बॉर्डर ऑफ सिक्किम। तो सिक्किम को तिब्बत चाइना टच करता है, भूटान टच करता है, और वेस्ट बंगाल और साथ में नेपाल, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। विच कंट्री पार्लियामेंट हैज़ पास्ड इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया इन नवंबर 22, 2022 को, सो ये था ऑस्ट्रेलिया के साथ में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाए सॉरी डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोल बेस्ड प्लांट इज नॉट सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर जो है रिहात जो है वो सिचुएटेड नहीं है, ठीक है, रिहात, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, इसमें आपसे पूछा है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी सोनजल 2022 एन एनुअल यूथ फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट होता है, ये कहाँ पर होता है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। 16 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है राज्यसभा हैज़ अ पावर टू अमेंड द बिल ऑफ मनी बिल, नहीं, राज्यसभा के पास ऐसी कोई ताकत नहीं होती। अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड इन इंडिया, दैट इज ये करेक्ट है, तो दैट इज यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। वेयर वॉज रामानंद द सेंट ऑफ भक्ति मूवमेंट बॉर्न, ये बॉर्न होता है इनका प्रयागराज इलाहाबाद के अंदर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करते हैं, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट इंक्लूडेड इन पंजनाद, तो पंजनाद के अंदर इंडस इंक्लूड नहीं है। इंडिया होस्टेड लीड आईटी समिट 2022 ऑन द साइडलाइन ऑफ COP27 अलोंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री 2022 के अंदर, तो यहाँ पर आंसर होगा स्वीडन, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। 20वां प्रश्न है, विद रेफरेंस टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ राज्यसभा, तो ये तो करेक्ट है आपका। ही इज इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, नो, मेंबर ऑफ राज्यसभा नहीं होते हैं, तो दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर, सॉरी ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, सिर्फ पहली स्टेटमेंट है यहाँ पर आपकी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पर आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फिफ्थ वेद, फिफ्थ वेद किसे कहा जाता है, तिरुमुराई को, दैट इज ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ब्रह्मपुत्र से रिलेटेड स्टेटमेंट है, तो ब्रह्मपुत्र इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, देखिए लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया नहीं है, है ना, वैसे तो लॉन्गेस्ट है, बट इन इंडिया कह दिया तो ये वाली चीज़ आपकी गलत हो जाती है पहली बात। सेकंड है माजुली आइलैंड जो है ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर आइन आइलैंड है आपका इंडिया के अंदर, इंडिया के वर्ल्ड में भी है बेसिकली, तो ये आपका करेक्ट रहेगा यहाँ पर। तो देखिए इन इंडिया कहा गया है ना, तो इंडिया में तो है ही, वैसे दुनिया में भी है, तो आई थिंक मेरे ख्याल से यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए करेक्ट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फॉरन मिनिस्टर ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, दैट इज फकीर अजहरुद्दीन, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। लास्ट के दो क्वेश्चन हैं हमारे, तो यहाँ पर आपका लैंग्वेजेस के बारे में पूछा गया है, तो सिंधी लैंग्वेज आपकी कौन से अमेंडमेंट से ऐड होती है, देख 21वें अमेंडमेंट से, तो करेक्ट पूछा गया था, ऑप्शन ए ही यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, आप देख सकते हैं लास्ट ही पेपर है, लास्ट क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन ही आते हैं, 125 क्वेश्चन होते हैं जिसमें 25 क्वेश्चन आपके जीएस के हैं, बाकी आपके टेक्निकल बैकग्राउंड के क्वेश्चन होते हैं। तो जंस्कार रेंज आपका कहाँ पर है, सॉरी जो जिला आपका जंस्कार रेंज में आपको देखने को मिलता है, सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 25वें क्वेश्चन का, दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेंगे ज़रा, ठीक है, तो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया था, तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो दैट इज़ यहाँ पर ग्रेट हिमालयन रेंज के अंदर आपको देखने को मिलेगा क्या, जोजिला पास, ठीक है, एंड साथ में आपको पीर पंजाल रेंज में देखने को मिलता है पनिहाल, और जंस्कार रेंज के अंदर आपको देखने को मिलेगा दैट इज़ द पोटालू, और लद्दाख रेंज के अंदर खरदुंगला पास, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, पहले थोड़ा गड़बड़ हो गया था उसको करेक्ट कर लेंगे। तो ये था हमारा पेपर जो कि था यूपी पीएससी की तरफ से आयोजित फॉर द टेक्निकल एजुकेशन टीचिंग के लिए पोस्ट टीचिंग का ये एग्ज़ाम था, तो उसका जो जीएस का पेपर था उसे हमने सॉल्व किया है, और ये एग्ज़ाम हुआ है आपका 13 अगस्त 2023 को, ठीक है। और इस पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।